हेलो दोस्तों, मैं बिसेंदर टिप्स ऑनली विन से। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कलकत्ता रेसेस की। 26 सितंबर की रेस है और टोटल 6 रेस हैं दोस्तों। पहली रेस 2:15 पे स्टार्ट है और आखिरी रेस 4:45 में, और काफ़ी लंबे समय के बाद कलकत्ता स्टार्ट हुई है। और कलकत्ता टीम को यार मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं सीज़न अच्छा जाए। सबको बेस्ट विशेस टिप्स ऑन लिविन की तरफ से। और पहली रेस में आ जाते हैं दोस्तों। पहली रेस 1100 मीटर की है और कलकत्ता में मैक्सिमम घोड़े आप जानते ही हैं 1-2 के बैठे ज़्यादा होती है। और पहली रेस 1100 मीटर की क्लास 5 की है, 1 नंबर लॉयन क्वीन। सारे रन अगर आप देखेंगे यार, ऑलमोस्ट सारे ही रन मतलब फ्रंट रनर घोड़ा है, 1 नंबर का गेट है, अरमान खान बैठा हुआ है टॉप वेट में। तो घोड़ा यार क्लास 4 तक गया हुआ है, ट्रेस बाइन के साथ में गुड साइकिल लगा हुआ है। बट यहाँ पे एक वही है जॉकी और वेट का थोड़ा सा मुझे जो एक वो लग रहा है, अदरवाइज नहीं तो घोड़ा तो लग रहा है कि पोटेंशियल है, चांस बनता है यहाँ पे। जिनसो को ये घोड़ा बढ़िया है यार, और शायद एक बार अक्षय कुमार ने अच्छा गुड साइकिल लगा था उस टाइम पे, शायद ये यहाँ पे कार्ड में दिख नहीं रहा, एक बार पहले जिताया हुआ भी है शायद अक्षय कुमार ने। और यहाँ पे जॉकी का एडवांटेज हो सकता है, लास्ट टाइम पे स्लो निकला था द मेंटलिस्ट के साथ में, क्लास 4 गया हुआ है, क्लास 4 जीता हुआ भी है बल्कि, और चांस बिल्कुल बनता है यहाँ पे। उसके बाद है यूवी। ये काफी टाइम बाद अगर मैं बात करूं यार, सूज स्टील में बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब कहीं पे अपसेट और इस तरीके से आया है, और रन भी ठीक है फ्रंट निकल के। इस बारी बिल्कुल ये घोड़ा यार जीत सकता है यहाँ पे विनय जायसवाल के नीचे। 4 नंबर सी ड्रैगन, ये भी आप इसको यार अपसेट देख सकते हैं। और 119वीं रेस जीता हुआ है 1200 मीटर की। 5 नंबर चेतक भी आप अपसेट प्लेस में देख सकते हैं। 5 घोड़े हैं, पांचों के पांचों। पहला अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे और क्लियर होंगे रन। बट इस रेस में यार 5 घोड़े हैं, पांचों पांचों मैंने बता दिए, और पिक में यहाँ पे सिंगल ही लेके चलूंगा। उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। 3 नंबर यूवी विनय जायसवाल। और मुझे वैसे जो मेन कंसिडर मैं 1, 2, 3 ही कर रहा हूँ, 2 वो अपसेट के हिसाब से देख रहा हूँ क्योंकि सीजन का पहला दिन है इस वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार चीज़ें समझ आ रही होगी। और सेकेंड रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है, 1 नंबर विसल ब्लोवर क्लास डाउन कर रहे हैं और सूज यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो आप इसकी SHP अपसेट में देख सकते हैं। 2 नंबर 26 ब्लैक, दोनों रन बहुत बढ़िया है यार, और लास्ट टाइम अक्षय कुमार ने काफ़ी लंबे ओड मतलब लॉन्गर ओड में घोड़ा जिताया था और लार्ड डोमिनेट को बीट किया था। उम्मीद करते हैं कि वैसे कुछ रन दोबारा देखने को मिले, टॉप वेट 59.5 किलो में जा रहा है। 3 नंबर सीगल, 1100 मीटर के पहले रन की जो विक्ट्री थी बहुत इंप्रेसिव थी, उसके बाद इंक्वायरी ओपन हुई है, 1100 में जॉकी सस्पेंड किया, जर्वन टॉप वेट में गया था उस दिन और 20 अगेन के आगे, फिर उसके बाद 1600 भागा है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं पे एक तरीके से अपने सूटेबल डिस्टेंस में जा रहा है। 1100 जीता हुआ है, 1200 जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मतलब मुझे लगता है कि ये घोड़ा है दोबारा बोर्ड में रहना चाहिए। टोरिनो इसका रन भी बहुत बढ़िया था यार, फेवरेट होके घोड़ा जीता था बहुत इजीली, और एंटनी राज बैठ गया यहाँ पे, ये घोड़ा भी बिल्कुल बनता है और पिक में लेके चलूंगा दोस्तों। 3 नंबर सीगल एस जर्वन और 2 नंबर 26 ब्लैक अक्षय कुमार। तीसरा घोड़ा टोरिनो ही है यार, है ना। और थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों। 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की। यहाँ पे डॉक्टर डूम आप चांस ले भी सकते हैं, टॉप वेट में घोड़ा जा रहा है, बट नीचे के घोड़े और ज़्यादा ये लोकल में बहुत बढ़िया घोड़ा है, एक ही बार प्लेस आउट हुआ है मतलब वैसे, और वरना 1, 2, 3 में ही रहता है घोड़ा। 2 नंबर ग्लैटिकस, ये घोड़ा यार सिंगल दिख रहा है यहाँ पे, बस मुझे ये समझ थोड़ा सा, या तो आगे अभी सिर्फ एक रन चेक करने के लिए घोड़ा आगे एक क्लासिक भाग सकता है शायद, जो मुझे लगता है। और क्लास 3 बहुत इजीली जीता है सूरज के नीचे, उम्मीद करते हैं दोबारा जीते। क्लिफोर्ड यहाँ पे ये घोड़ा है जो
एक और जिसे कहते हैं सूरज के घोड़े को बीट करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है ग्लैटिकस को। क्लिफोर्ड, ये भी नील दारा शाह जी का घोड़ा है, 1100 बहुत इंप्रेसिव जीता। फिर 1100 बहुत और ज्यादा इंप्रूव करके जीता। फिर 1200 में भी कहीं ना कहीं पे लेदर बैक के साथ में गुड सेकंड लगा हुआ है। ये बढ़िया रन है यार इस घोड़े के, ये बिल्कुल यहाँ पे चांस बनता है 4 नंबर रिमल। बाकी घोड़े यार कलकत्ता के लोकल हैं तो आप इन्हें प्लेस अपसेट देख सकते हैं 5 नंबर। और 9 नंबर ला डोमिनेट आसे डॉक्टर जी के पास है घोड़ा, 26 ब्लैक के आगे फेवरेट था, यही थोड़ा सा बम्प हुआ और अक्षय कुमार 26 ब्लैक से बीट कर गया। तो ये घोड़ा भी यहाँ पे सरप्राइज के लिए आप देख सकते हैं लोकल में। बट जो घोड़े यार फॉर्म में और कंटिन्यू अभी भाग रहे हैं उनके हिसाब से मैं पिक लेके चलूंगा 2 नंबर गैलेक्टिकस सुरनेडू और 3 नंबर क्लिफोर्ड एस जर्वन। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1100 मीटर की रेस है और यहाँ पे 1 नंबर पावर रेसर आप विनय जायसवाल के नीचे प्लेस इस घोड़े की देख सकते हैं। 2 नंबर हॉर्नबिल, ये ट्रैक ठीक जा रहा है यार, सरप्राइज कर सकता है पहले रन में। 3 नंबर एक्स्ट्रा वैगेंट स्टार और पहला रन यार फ्रंट रनर घोड़ा है और टोरिनो के आगे 5वां लगा था, ये यहाँ पे बिल्कुल चांस बनता है। और कुछ इक्विपमेंट भी चेंज कर रहे हैं इधर, तो ब्लैंकर TS ऑन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं अक्षय कुमार के नीचे घोड़ा जीते हैं यहाँ पे। डांस अलोंग नॉटिका के आगे फेवरेट था ये घोड़ा यार, स्लो निकला था गेट से और निराबल बैठा हुआ था, पहले रन पे ही 70 पैसे का भाव था। ये घोड़ा यहाँ पे ट्रेनरशिप चेंज हुई है शायद देशमुख साहब के पास, दिख रहा है घोड़ा इस बारी। 6 नंबर ट्रॉपिकल लेडी, आप इसको यार ये फ्रंट रनर में अपसेट कंसीडर कर सकते हैं। पिक में लेके चलूंगा 2 नंबर हॉर्नबिल पी तेजस्वर और 3 नंबर एक्स्ट्रा वैगेंट स्टार अक्षय कुमार। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 5वीं रेस और ये क्लास 1 की रेस है, कप है, मेजर इवेंट है और ऑलमोस्ट सारे के सारे घोड़े ही टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में दिख रहे हैं। बट छोटे में आप समझ लें तो थोड़ा सा 1 नंबर ऑसम वन घोड़ा बहुत बढ़िया है, बट जॉकी 61.5 किलो में और सबसे बड़ी बात है 8 साल का हो गया है और 1100 मीटर फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक कुछ समा आके इस घोड़े के लिए यार। और आप अपसेट प्लेस इसकी देख सकते हैं। कैप्टेनरोस, ये घोड़ा यार मेंटेन कर सकता है, मतलब लास्ट सीजन तो काफी फॉर्म में रहा है घोड़ा और ट्रेवर ने लास्ट टाइम बहुत बढ़िया जिताया दोनों बारी और एक बार सिन्हा जिता के गया। उम्मीद करते हैं सी पेरिलस, शायद प्रसन्ना जी के पास घोड़ा था, यहाँ पे भी महेश के पास आ गया है और ऑनरशिप भी महेश की है। एंटनी राज बैठा दिया है यहाँ पे फ्रंट निकल के, घोड़ा यार बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है। 4 नंबर टैक्टिकल कमांड, ये बेंगलोर से घोड़ा आया था, उसके बाद काफी अच्छे रन दिए हैं घोड़े ने, पहले बेंगलोर से मैसूर, मैसूर के बाद कलकत्ता और लास्ट सीजन मोंटो मॉन्टफोर्टिनो और ऑसम वन डेल्फिनी को बीट किया था 1400 में, तो निखिल नायडू के नीचे घोड़ा बनता है। 5 नंबर ईस्टवुड यार काफी शॉर्टर डिस्टेंस दिख रहा है, इसके हिसाब से घोड़ा डिस्टेंस का ज्यादा है और ये भी शायद फर्स्ट टाइम पहली बार जा रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते दोस्तों इसके लिए। 6 नंबर डेल्फिनी, इस घोड़े का चांस बनता है, 2 बारी 1100 भागा, दोनों बारी सेकेंड लगा और 3 नंबर का गेट है, लास्ट टाइम 1200 जीता है। उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले सीजन में। 7 नंबर मॉन्फेटिनो, ये यार फ्रंट निकलता है घोड़ा और अपसेट आप देख सकते हैं इसको। 8 नंबर फुल वॉल्यूम डेल्फिनी के साथ में लॉन्ग नेक से सेकंड लगा था 1200 में, 1100 जाना है, लोअर वेट है, बिल्कुल यार फ्लूक भी दे रही है बुक और चांस लास्ट रन के हिसाब से बनता है। पिक में लेके चलूंगा दोस्तों मैं 6 नंबर डेल्फिनी अक्षय कुमार और 4 नंबर टैक्टिकल कमांड निखिल नायडू। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 6ठी रेस में, 1100 मीटर की रेस है और 1 नंबर गुड टिप, ये भी घोड़ा यार यहाँ पे मुझे सिंगल ही दिख रहा है जैसे गैलेटिकस दिख रहा है, बट गैलेटिकस को तो एक घोड़ा जर्मन वाला बैठा हुआ है वहां पे, बट ये घोड़ा भी यार मुझे सिंगल दिख रहा है। उम्मीद करते हैं जीते, ट्रेवर ने बहुत इंप्रेसिव जिताया था। और बाकी कुछ घोड़े हैं आप इनकी प्लेस देख सकते हैं, वैसे ही 1-2 की बैठे। 6 नंबर है नॉटिका की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, नॉटिका सही जीता था लास्ट टाइम,
डिफ्ट हुआ था लास्ट मोमेंट में, बट चिश्ती ने अच्छा मैनेज किया और घोड़ा फिर भी उसके बाद 2.25 लेंथों से जीता है। उम्मीद करता है निखिल नायडू कुछ ऐसी राइडिंग देखने को मिले। 7 नंबर लॉर्ड लूसीफर की भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी यार, ये घोड़ा भी बढ़िया है और लास्ट सीजन नॉक कर रहा था बट जीत नहीं पाया। लास्ट टाइम अक्षय के नीचे स्लो निकला ट्रेस बाइंग के साथ में, 1-2 की बैट थी, काफी प्लेस लगी, इसलिए 7 घोड़ों में तीसरा हो गया। तो इस बार भी 7 घोड़े हैं और इस बार सरप्राइज करने के लिए हिसाब से आप देख सकते हैं। और पिक में जैसा मैंने बताया यार, मुझे सिंगल ही घोड़ा दिख रहा है, 1 नंबर गुड टिप सूरन नेडू, बट दूसरा घोड़ा जैसा मैं बता रहा हूँ नॉटिका, और 7 नंबर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बट मैं 7 नंबर को पिक लेके चलूंगा, लॉर्ड लूसीफर पी साई कुमार की प्लेस आ जाए इस घोड़े की। और नॉटिका दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से ओट के हिसाब से गुड टिप के ऑपोजिशन यही होना चाहिए यहाँ पे, तो देखते हैं। बाकी लॉर्ड लूसीफर यार मेरी सेकंड फैंसी मुझे समझ आ रही है। और उसके बाद कलकत्ता का पहला दिन है, तो कलकत्ता के लिए आप सभी को यार ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। पहला दिन है, थोड़ा सा देखें रेस को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि अभी बहुत रेसिंग बची हुई है इस सीजन की यार, ठीक है। और फिर इसके बाद मिलते हैं दोस्तों कल मैसूर की रेस में, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।